दो दिन पहले एक युवती ने हाथीपुल थाने में क्रिकेट एकेडमी चलाने वाले अबरार हुसैन पर बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। कहा गया था कि युवती अबरार हुसैन के क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग लेती थी। इस मामले में अब अबरार हुसैन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को झूठा बता दिया। उसका कहना है कि वो युवती उसके पड़ोस में रहती है, एक ही दीवार है उसके और अबरार हुसैन के मकान की। पिछले 15 सालों से वो परिचित है और पड़ोसित है। अबरार हुसैन का ये कहना है कि ये एक तरह से उसकी क्रिकेट अकेडमी को बदनाम करने की साजिश है। सुनिए अबरार हुसैन क्या कह रहा है इस वायरल वीडियो में। अब तक तो आप सभी को पता चल चुका होगा कि मेरे ऊपर बलात्कार का केस दर्ज हुआ है। ये कहा गया है कि मेरी एकेडमी में कोई लड़की आई, मैंने उसको क्रिकेट सिखाया, उससे मैंने जान पहचान बढ़ाई। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर जिस लड़की की बात हो रही है, वो लड़की पिछले 15 साल से हमारे घर के पास में रहती है। मेरी जान पहचान उससे एकेडमी से नहीं हुई है। हम दोनों की घरों की एक ही दीवार है और हमारे घर के आपस में बहुत अच्छे रिलेशन थे। पिछले 3 महीने से वो लड़की किसी दूसरी एकेडमी में जाती है, जो कि गांधी ग्राउंड में चलती है। वो वहाँ पे कोचिंग कर रही है वो लड़की। मैंने उससे कभी क्रिकेट की कोई बात नहीं कही, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किसने जलन के चलते मुझे बदनाम करने के लिए, मेरी एकेडमी को ख़त्म करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची कि झूठा केस दर्ज कराया कि वो लड़की मेरी एकेडमी में आती है, मैंने उसको क्रिकेट सिखाया। आप देखेंगे दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ आई कि मेरी एकेडमी तितड़ी में चलती है। ये झूठी खबरें फैला के मुझे, मेरे घर वालों को, मेरी एकेडमी को बर्बाद बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी क्रिकेटर्स जो उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जो सेक्रेटरी हैं, महेंद्र शर्मा सर, मनोज चौधरी सर, यशवंत सर, प्रकाश सर, अनीस भाई, हर्ष भैया, जितने भी जो मेंबर हैं जो उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के हैं, वो मैं चाहूँगा केटी भैया, विक्रम सिंह, विवेक भैया, शाहरुख, जितने भी लोग हम जो कोचिंग एकेडमी चला रहे हैं, आज ये चीज़ मेरे ऊपर हुई है, कल ये किसी के साथ भी हो सकती है। लोग हम पे भरोसा करना बंद कर देंगे। ये कोचेस के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है। बात सिर्फ मेरी नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सभी कोचेस की कर रहा हूँ। इस समय आप सभी को मेरा साथ देना होगा। ये झूठा षड्यंत्र है, वो लड़की कभी मेरी एकेडमी में नहीं आई। मेरी एकेडमी के पूरे पेरेंट्स जो एकेडमी के पहले दिन से मेरे साथ में, वो गवाही देने को तैयार है कि ऐसी लड़की को हमने कभी आपकी एकेडमी में देखा तक नहीं। तो इतना बड़ा झूठा केस इन लोगों ने कैसे बना दिया। सभी उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे घर वालों को सपोर्ट कीजिए। मेरे घर वाले बहुत डिप्रेशन में हैं। मेरे पापा का इतना नाम था इंडिया के अंदर, उनका इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। पापा के पास कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। मेरे पापा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको कुछ भी हो सकता है। कल भी उनको 3 घंटे हाथीपुल थाने में बिठा के रखा। अगर मेरे घर वालों के साथ में कोई भी हादसा होता है, या मेरी बीबी या मेरे बच्चे अगर डिप्रेशन में आके कोई भी कदम उठाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप सभी को पता है। प्लीज़ हमारी मदद करो, प्लीज़ हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो लड़की मेरी एकेडमी में कभी नहीं आई। सिर्फ मेरी एकेडमी को बदनाम करने के लिए उन लोगों ने मेरे ऊपर बलात्कार का केस दर्ज करा दिया। कानूनी अब एक तरफ युवती अबरार पर गंभीर आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ अबरार हुसैन ये बात बोल रहा है। देखा जाए तो अबरार हुसैन की बातों में भी काफी विरोधाभास है, लेकिन मामला पुलिस अनुसंधान में है और पुलिस इस मामले की हकीकत तक जरूर पहुंचेगी। तब तक इस मामले को कोई और रूप ना देते हुए पुलिस की कार्यवाही पर भरोसा रखना चाहिए। उम्मीद है जल्द ही सच सामने आएगा।